नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है रेविज़ डीएसआर कैप्सूल। रेविज़ डीएसआर कैप्सूल क्या प्रेगनेंसी में सेफ है? एक जो मेरा सब्सक्राइबर है उनका क्वेश्चन है ये, तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जो रेविज़ डीएसआर कैप्सूल है इसके अंदर पाया जाता है रेविप्राजल 20 mg और डोमपेरिडोन 30 mg। रेविप्राजल एक प्रकार का गैस निवारक दवाई है। जब आपके पेट में एसिड फॉर्म कर रहा है तो उस समय इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से आपको पूर्ण आराम मिल जाता है। और जो डोमपेरिडोन है उसका क्या काम है? जो डोमपेरिडोन है उसका काम होता है, जब एसिड आपके पेट में ज़्यादा हो गया है तो उस समय एसिडिटी की वजह से आपको ऐसा लगता है कि पेट में जितना कुछ है सब निकल जाएगा, उल्टी सा लगता है, कई बार उल्टी भी आ जाती है। तो डोमपेरिडोन का काम होता है उल्टी को रोक देना। तो रेविप्राजल डीएसआर कैप्सूल जो है ये पेंटाप्राजल से काफ़ी सेफ माना जाता है और ये काफ़ी असरकारक भी होता है। रेविप्राजल डीएसआर कैप्सूल को दिन में एक ही बार लेना चाहिए और बीमारी की तीव्रता अधिक होने पर इसको दो टाइम भी दिया जा सकता है। इसको हमेशा खाना खाने से पहले ही लेना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ेगा भी तो इसको खाना खाने के बाद किसी भी समय लिया जा सकता है। दोस्तों इस कैप्सूल का प्रेगनेंसी में या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनके लिए भी किया जा सकता है, उसके अंदर इस कैप्सूल से कोई दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी सेफ माना जाता है। बल्कि ये अन्य जो भी एंटासिड है जैसे कि रेनिटिडिन है, ओमिप्राजल है, पेंटाप्राजल है, इन सभी से सेफ माना जाता है रेविप्राजल डीएसआर को। तो ये क्वेश्चन कि रेविप्राजल डीएसआर कैप्सूल को क्या प्रेगनेंसी में दिया जाना चाहिए? जब आपको गैस की तीव्रता अधिक है तो उस समय रेविप्राजल को लेना चाहिए, वरना आमतौर पर अन्य जो भी घरेलू उपाय है उसको करना चाहिए। प्रेगनेंसी में रेविप्राजल डीएसआर कैप्सूल लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हालांकि इसका जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है वो है मुंह सूखना, पेट में दर्द, ऐंठन, मरड़ होना, दस्त होना, कमजोरी आना, बॉडी पर रैशेज होना, ये सब परेशानियां हो सकती है। अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो आप डॉक्टर से मिल करके इसका समाधान कर सकते हैं। इसको पानी से लेना ही बेहतर रहता है और आप जिस समय ले रहे हो अगले दिन उसी समय लेना चाहिए। इस कैप्सूल को बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। इस कैप्सूल को लगातार लेने के बावजूद भी अगर आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिल करके इसका समाधान करिए। दोस्तों जब आपके स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, आपके सीने में, आपके आहार नाल में बहुत ज़्यादा जलन है, तो उस समय इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों रेविज़ डीएसआर कैप्सूल जो कि एम क्यूर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है, बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसका इस्तेमाल आप प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं और नॉर्मल गैस एसिडिटी में भी इसको किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज़ हमेशा डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। और अगर बिना डॉक्टर की सलाह से आप कर रहे हो तो अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आता है तो इसका इस्तेमाल तुरंत रोक देना चाहिए। तो दोस्तों रेविज़ डीएसआर कैप्सूल के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दिए है आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।